अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सभी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो ये है कि जो बच्चियाँ या जो आंटियाँ अपनी आँखों में काजल लगाती हैं, सुरमा लगाती हैं, तो वो फैल जाता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है। सब कहते हैं अपनी आँखें साफ़ करें, ये यहाँ सुरमा लगा हुआ है, यहाँ काजल है, तो काफ़ी आप ज़्यादा ना अनकॉन्शियस हो जाते हैं। कभी फील करके देखिएगा, कोई आपको कहे कि आपके काजल जो है वो आपके आँख के नीचे लगा हुआ है, तो आप जल्दी से इतनी अनकॉन्शियस ही हो जाएंगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं आपके लिए एक टिप लेकर आई हूँ, जिसको जो है लगाने से, जिसके इस्तेमाल से आप जो है इस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकती हैं, आपका जो है काजल नहीं फैलेगा। आप के पास लिप लाइनर होती है जो होंठों पे लगाते हैं, वो लिप लाइनर आपने लेकर आँखों के अंदर लगानी है। पहले सबसे पहले आपने वो लगा लेनी है आँखों के अंदर, वो लिप लाइनर जो आप अपने लिप्स पर लगाती हैं वो आपने अपने जो है आँखों के कोई सी भी कलर की हो, ब्लैक कलर की हो तो वेल एंड गुड, अगर किसी और भी कलर की है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप अपने आँखों के जो है वो उसमें लगा लें, आँखों के अंदर लगा लें। आँखों के अंदर लगाने के बाद आपने काजल या सुरमे की सिर्फ एक सिलाई अपनी आँख में डालनी है, बार बार कोट नहीं करना। ज़्यादा लगाएंगी तो वो ऑफ कोर्स बह जाएगा, निकल जाएगा, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने एक सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी, ठीक है। पहले आपने कोई सी लिप लाइनर लेनी है, वो आपने अपने आँख के अंदर लगानी है, अपनी आँख के अंदर लगानी है, फिर उसके बाद काजल लगाना है। इससे आपका जो है काजल या सुरमा कभी भी नहीं आँख में से निकलेगा और वो टिका रहेगा। इसी तरह अगर आप चाहती हैं कि आपकी जो लिपस्टिक है वो ज़्यादा देर तक रहे, बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो लिपस्टिक जो है, बाज़ लड़कियां लिपस्टिक खा जाती हैं, या उन्हें पता नहीं चलता वो साफ़ कर देती हैं, या ऐसा होता है कि उनकी बहुत जल्दी उतर जाती है, खाना खाते भी उन्हें पता नहीं चलता, तो उसके लिए भी एक टिप है, वो ये कि आप जब भी कोई भी कलर लगाएं अपने लिपस्टिक का, कोई भी शेड लगाएं, आप सपोज़ अगर आपने ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लगाई है तो आप ऑरेंज कलर का कोई सा भी आई शेड कलर, ऑरेंज कलर का लाइट हो, डार्क हो, कोई सा भी हो, वो आपने अपनी लिपस्टिक पर लगा लेना है, ठीक है। लाइक अपने होंठों पर लगा लेना है लिपस्टिक लगा के, आपने उसी कलर का आई शेड, अगर आप पर्पल लिपस्टिक लगा रही हैं तो पर्पल, अगर आप पिंक लगा रही हैं तो पिंक, अगर रेड लगा रही हैं तो रेड आई शेड आपने अपने लिप्स पर लगा लेना है, और अच्छी तरह उंगली से उसको पूरे होंठों पर फैला देना है। इससे ये होगा कि आपकी लिपस्टिक जल्दी नहीं उतरेगी, बहुत देर तक टिकी रहेगी। इंशाल्लाह आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।